सो हेलो एवरीवन, दिस इज जेनिश कोडाइयो फ्रॉम विजडम कॉमर्स क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इन आवर फोर्थ वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वी आर राइट नाउ डीलिंग विद डिमांड एनालिसिस। आज हम इस लेक्चर में आपको बहुत सारा ज्ञान देने वाले हैं और ज्ञान किस बारे में देने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कौन लेकर आया, तो ये प्रोफेसर मार्शल भाई, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने अपनी बुक में, कौन सी बुक में, अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, इन द ईयर सन 1890, इन द ईयर 1890 प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जिक्र किया था। ओके, तो तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास सलम ना हो। कमिंग बैक, ओके, द लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ने वाले हैं आज। और लॉ ऑफ डिमांड में हमें ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है इन द प्रीवियस वीडियो, अगर आपको याद होगा हमने दो चीज पढ़ी थी, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है मार्केट डिमांड। इस डिमांड में हमने किस बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिलेशनशिप के बारे में। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल भाई ने हमें रिलेशनशिप के बारे में बहुत पहले बता दिया था। ओके, तो ये रिलेशनशिप कोई बिट्टू स्वीटी की नहीं है। ओके, दिस रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट प्राइस एंड डिमांड। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था इन द प्रीवियस वीडियो, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स रिलेशनशिप। उनके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। ओ, कैसी प्रॉब्लम चल रही थी, जब प्राइस बहुत हाई होता है तब डिमांड क्या होती है, लो होती है, और अगर प्राइस लो होती है तो डिमांड क्या होता है, हाई हो जाती है। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज हाई, डिमांड इज लो, एंड इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज लो, डिमांड इज हाई, एंड दैट इज वाई द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स रिलेशनशिप। कैसी रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और वही बात हमें किसमें बताई गई है, लॉ ऑफ डिमांड में बताई गई है। कि ये ऐसा लॉ है, ये बहुत ऑब्वियस है, ह्यूमन नेचर है। इमेजिन करो जब मैंगो के भाव बहुत हाई हो जाएंगे, तो इमेजिन करो क्या मम्मी जाके मैंगो बहुत सारे खरीद के लाएगी, नहीं खरीद के लाएगी। लेकिन जब मैंगो के प्राइस बहुत लो थे तो मम्मा बहुत सारे आम लेकर आई। वाओ, ओके, सो इट इज वेरी ऑब्वियस, और ये ह्यूमन नेचर है, यूनिवर्सल नेचर है, दैट एज एंड व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड प्राइस डिक्रीजेस डिमांड राइजेस। ओके, आप देख सकते हो डिमांड स्केड्यूल में, डिमांड स्केड्यूल इज गिवन टू अस ऑन पेज नंबर 22। ओके, लॉ ऑफ डिमांड हमें पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है इन आवर महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। तो डिमांड स्केड्यूल में हमने क्या पढ़ा था, लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ओके, तो हम कौन सी कमोडिटी की बात कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम एक्स कमोडिटी। ओके, हो सकता है गेहूं की बात कर रहे हैं, इमेजिन करते हैं गेहूं की बात कर रहे हैं या टमाटर की बात कर रहे हैं। ओके, सो 15, 40, 30, 20, 10, जब टमाटर का भाव, ओके, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, जब टमाटर का भाव एक पचास रुपया था, मम्मा सिर्फ एक किलो टमाटर लेकर आई थी, लेकिन भाव कम हो गया, 40 रुपया हो गया, मम्मा 2 किलो टमाटर लेकर आई, प्राइस और कम हो गया, 30 रुपया हो गया, मम्मा 3 किलो टमाटर लेकर आई। वाओ, ओके, और प्राइस जब कम हो गया तो मम्मा ज्यादा टमाटर लेकर आई। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा था, डिमांड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। दैट इज वाई ये जो रिलेशनशिप है, किस किस का रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम लोग, हम रिलेशनशिप यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं। ओके, प्राइस और रिलेशनशिप डिमांड की बात कर रहे हैं कि उनकी रिलेशनशिप कैसे चल रही थी, इनवर्स चल रही थी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम डिमांड कर्व देखेंगे ऑन द y एक्सिस हमने क्या लिया है, प्राइस लिया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, और हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमने इस फिगर को यहाँ पे प्लॉट किया है, एंड यू कैन सी द डीडी इज द डिमांड कर्व। ये जो डीडी है वो क्या है, डिमांड कर्व है, और ये जो रेड मार्कर्स हमने किया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज लेफ्ट इज स्मार्ट होता है, तो पहले लेफ्ट बाद में राइट। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, इन योर एग्जाम ऑल्सो व्हाट यू हैव टू डू, व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ डायग्राम, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग अ स्क्वायर, एकदम सिस्टमैटिक स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर के अंदर तुम्हें ये ग्राफ बनाना है प्रॉपरली, एंड ऑब्वियसली इन योर इकोनॉमिक्स एग्जाम दे विल नॉट बी प्रोवाइडिंग यू ग्राफ पेपर, तो हमें नॉर्मल पेपर पे ही बनाना है। सो द प्लॉटिंग हैज टू बी डन वेरी नाइसली एंड सिस्टमैटिकली।
ओके तो ये हमें डिमांड स्केल और डिमांड कर्व हमें कितनी सारी चीजें बताते हैं, सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज इनवर्स, एज इन व्हेन प्राइस राइज इज डिमांड लेस एंड डिमांड कम, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, एंड द डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बस इतनी सारी चीज हमें याद रखनी है। ये हमें कहां बताया, हमें लॉ ऑफ डिमांड में बताया, लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। और ये लॉ ऑफ डिमांड किस भाई साहब ने दिया था, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल भाई ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में सन 1890 में। ओके, अब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल इस लॉ ऑफ डिमांड को सही ठहराना होगा, सही ठहराना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ अजम्पशंस लेने होंगे, मुझे कुछ अजम्पशंस लेने होंगे, एंड व्हाट आर दोस अजम्पशंस, आइए देखते हैं। ओके, द फर्स्ट अजम्पशन इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। वी हैव टू अज्यूम कि जब हम ये पूरा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ओके पूरा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो हम अज्यूम करेंगे लोगों की इनकम क्या है, कॉन्स्टेंट है। लोगों की इनकम कैसी है, कॉन्स्टेंट है, कोई अमीर नहीं और कोई गरीब नहीं। क्योंकि अगर कोई बहुत अमीर होगा, इमेजिन करो मैं अंबानी हूं, मैं मुकेश अंबानी हूं, फिर प्राइस कितना भी हाई होने दो, ओके लैम्बोर्गिनी भले 5 करोड़ में बिके या 6 करोड़ में बिके, मैं खरीद के ही रहूंगा झक मार के। तो हायर द प्राइस एंड हायर द डिमांड, ओके तो ये क्या हो जाएगा, लॉ के खिलाफ चला जाएगा। तो हमें लॉ के खिलाफ नहीं जाने के लिए कुछ अजम्पशंस लेने होंगे, कुछ अजम्पशंस लेने होंगे, एंड द फर्स्ट अजम्पशन इज कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ इनकम। वी अज्यूम दैट द लेवल ऑफ इनकम ऑफ एंटायर कंट्री ऑफ ऑल द सिटीजंस इज इक्वल एंड कॉन्स्टेंट राइट नाउ, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखो मैं मानता हूं इंडिया में ये थोड़ा कठिन है, ओके पॉपुलेशन तो बढ़ते ही जा रहा है, लोग इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, ओके लेकिन एल्फ्रेड मार्शल भाई ने बोला है कि हम अज्यूम करो कि जब हम ये लॉ चला रहे हैं तो साइज ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन अभी भी फिलहाल उतना ही कॉन्स्टेंट है। ओके मैं मानता हूं इंडिया में ये थोड़ा कठिन है, बट हम अभी फिलहाल अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज समझो अगर पॉपुलेशन बढ़ते ही जाएगा तो ऑब्वियसली डिमांड तो बढ़ेगी ना। अगर 100 की जगह 1 लाख लोग होंगे तो ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ेगी, भले फिर प्राइस बढ़ते ही जाएगा फिर भी। तो फिलहाल हम क्या अज्यूम करने वाले हैं, दैट देयर विल बी नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। द नेक्स्ट थिंग इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट। व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, लक्स की जगह मैं डव खरीद सकता हूं, डव की जगह मैं लक्स खरीद सकता हूं, ओके तो ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, हम इमेजिन करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। तुम लोग रियलाइज करो, यहां पे भी हमने अज्यूम किया था कॉन्स्टेंट होना चाहिए, यहां पे भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में भी हम वही कर रहे हैं, दैट प्राइस ऑफ ऑल द सब्स्टिट्यूट गुड्स, इमेजिन करो अगर लक्स का भाव बहुत बढ़ गया तो मैं जो डव खरीद रहा हूं ना, डव की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब लोग क्या करेंगे, डव खरीदने आएंगे, ओके तो डव बोलेगा हैला, क्या बोलेंगे, हैला मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा प्राइस तो कॉन्स्टेंट था फिर भी डिमांड बढ़ गई, ओके तो ये लॉ के खिलाफ चला जाएगा। ओके तो डव क्या बोल रहा है, हैला अगर मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा प्राइस चेंज नहीं हुआ फिर भी मेरी डिमांड बढ़ गई, वाओ। तो तुम लोग रियलाइज कर रहे हो, अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बढ़ जाएगा तो ये डव तो बैठे बैठे घर बैठे बैठे उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, तो विच इज अगेंस्ट द लॉ एंड दैट इज वाई वी हैव टू अज्यूम दैट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन कॉन्स्टेंट। पॉइंट नंबर फोर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वी डू वन थिंग, हम टिक कर देंगे जो हमारा हो गया है। पॉइंट नंबर फोर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार और पेट्रोल, क्योंकि ऑब्वियसली कार है तो पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, ओके टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, राइट जैसे कि अगर चाय बनानी हो तो दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, चाय चीनी चाहिए, ओके तो दिस आर द थिंग्स उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे। समझो अगर कार का भाव बहुत बढ़ गया तो मुझे बताओ पेट्रोल की तो डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज लोग कार ही नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल क्या करेंगे, ओके पेट्रोल भी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं कि व्हाइल वी आर डीलिंग विद द लॉ, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, दैट प्राइस ऑफ ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी प्राइस बढ़ने नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेशंस हर्ट एंड वी नो दैट, ओके इट्स फैक्ट, ये प्रूव हो चुका है कि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। तो लॉ भी हमें यही बता रहा है, एल्फ्रेड मार्शल भाई ने यही बोला कि हम जब लॉ अप्लाई करेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि प्राइस नहीं बढ़ने चाहिए, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी भी प्राइस के
फ्यूचर में, लेट्स नॉट अज्यूम नो एक्सपेक्टेशंस, हम ऐसा कोई अजम्पशन नहीं करेंगे कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहे हो. लेट्स एन एग्जांपल, आई गिव यू एन एग्जांपल, समझो फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स था, उसको क्या लगा पता है क्या, उसको ये लगा कि अब एक महीने के बाद क्या होने वाला है, सिगरेट के भाव बहुत बढ़ने वाले हैं, सिगरेट के भाव बहुत बढ़ने वाले हैं. तो आज ही उसने क्या किया, पूरा स्टॉक खरीद के घर पे रख दिया, पूरा स्टॉक का स्टॉक घर पे खरीद के रख दिया, किस चीज का, सिगरेट का. इमेजिन करो. तो कैन आई से बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, तो आज ही सिगरेट की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई. ओके, सिगरेट में आज तो कुछ हुआ, उसके प्राइस में आज कोई चेंजेस नहीं हुए, फिर भी डिमांड बढ़ गई. तो विच इज अगेन अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड. इसीलिए हमें लॉ क्या बताता है, वी हैव टू अज्यूम दैट नो एक्सपेक्टेशंस, डू नॉट एक्सपेक्ट अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो. टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिवाली की आने के टाइम हम सबको पता है कि क्या होता है, तेल के भाव बहुत बढ़ जाते हैं, ऑयल के भाव बहुत बढ़ जाते हैं. तो लोग एक महीने पहले ही सब लोग तेल खरीद के रखते हैं बिकॉज नाउ देर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में उस चीज का भाव बहुत बढ़ने वाला है. ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन टेस्ट फैशन हैबिट प्रेफरेंसेस. हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए. किसमें चेंज होना चाहिए, टेस्ट हैबिट्स फैशन में चेंज नहीं होना चाहिए. जैसे पहले क्या हुआ था, पहले फटा हुआ जींस कोई खरीदता भी नहीं था, फटा हुआ जींस कोई नहीं खरीदता था, लेकिन अचानक एक मूवी में सलमान खान ने फटा हुआ जींस पहना, और जैसे ही मूवी में सलमान खान ने फटा हुआ जींस पहना, लोग भागे भागे जा रहे थे और फटे हुए जींस खरीदने के लिए, दे वर ट्राइंग टू बाय टोन जींस, और क्या हो गया, उसका भाव बहुत बढ़ गया, एक्सपेंसिव 1200-1500 रुपए के एक जींस मिल रहे थे, वो भी फटे हुए जींस, एंड पीपल फटीचर की माफिक और खरीदते ही जा रहे. सो हायर द प्राइस एंड हायर द डिमांड, ओ हो, ये तो लॉ के अगेंस्ट है, प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रहा है. ओके, तो हम अज्यूम कर रहे हैं फिलहाल कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही टेस्ट, ना ही फैशन, ना ही हैबिट प्रेफरेंसेस, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये चेंज हो गया तो हमारा लॉ क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा. ओके, एंड लास्ट, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी. वी अज्यूम दैट व्हाइल वी आर डीलिंग विद द एंटायर लॉ, कंट्री के अंदर गवर्नमेंट टैक्स के अंदर कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज टैक्स इज एन एक्सपेंस फॉर अ कंज्यूमर, एक आम मानुष के लिए टैक्स क्या है, खर्चा है. खर्चा अगर गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा देगी, टैक्स बहुत बढ़ा देगी, तो मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं बचेगी, फिर क्या तो मैं डिमांड करूंगा और क्या तो मैं खाऊंगा पीऊंगा. ओके, तो लेट्स अज्यूम फॉर द टाइम बीइंग देयर शुड बी नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, ताकि जो कंट्री के अंदर जैसा चल रहा है सब कुछ कॉन्स्टेंट होना चाहिए. तो अगर हम अज्यूम करेंगे ये जितने भी अजम्पशन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेवल ऑफ इनकम होना चाहिए कॉन्स्टेंट, पॉपुलेशन भी होना चाहिए नो चेंज मतलब कॉन्स्टेंट, हमारा प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट भी होना चाहिए कॉन्स्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होना चाहिए कॉन्स्टेंट, नो एक्सपेक्टेशन मतलब कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो फ्यूचर के बारे में. ओके, फिलहाल शांति रखो, डू नॉट एक्सपेक्ट मच. नो चेंज मतलब वापस वही हो गया कॉन्स्टेंट, और यहाँ भी नो चेंज मतलब क्या हो गया कॉन्स्टेंट. इन मीन सारे अजम्पशन में हम अज्यूम कर रहे कि कंट्री के अंदर प्राइस और डिमांड के अलावा बाकी सब कुछ क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारा क्या खत्म होता है, लॉ ऑफ डिमांड खत्म हुआ, और उसके बाद हमने कुछ अजम्पशन लगाए. अब डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल भाई ने उसके बाद हमें क्या बताया कि ठहरिए. ओके, ठहरिए, एक्सेप्शंस थोड़े बहुत क्या है, इस लॉ के एक्सेप्शंस भी है. एक्सेप्शंस क्या बोलते हैं कि वो लॉ के अगेंस्ट जा रहे, वो लॉ को फॉलो नहीं करते, लॉ को क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते. लॉ क्या बोलता है, अच्छा हमें लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है दैट प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, ये हमें लॉ बोल रहा है. ठीक है, पर ये जो एक्सेप्शंस है ये उनके अगेंस्ट जा रहे. अगेंस्ट जाने का मतलब क्या हो गया कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगा. मतलब ये क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट जा रहे. यू कैन सी द एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, यू कैन सी नॉर्मल डिमांड कर्व क्या है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग. बट यू कैन सी एक्सेप्शनल डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व में ये जो डिमांड कर्व है, डीडी इज द एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, वो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग. हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगा बिकॉज लेफ्ट इज स्मार्ट होता है. ओके, सो यहां पर क्या होगा, बट ये क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है. नॉर्मल सिनेरियो में डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक्सेप्शनल केसेस में अपवर्ड स्लोपिंग, ये हमें याद रखना है. ओके,
तो लेट्स सी फर्स्ट वन, गिफन पैराडॉक्स. गिफन पैराडॉक्स है ना, ये एक्सेप्शन क्या बोलता है, दैट इंग्लैंड के अंदर एक सर रॉबर्ट गिफन थे. एक सर था, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट गिफन. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, उन्होंने अनुभव किया था, उन्होंने ये बात जानी थी के है ना, जैसे ही कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसके भाव कम होते हैं ना, भाव बहुत कम होते हैं, तो लोग फिर उसको नहीं खरीदते. क्यों नहीं खरीदते? नाउ पीपल इमेजिन कि उस प्रोडक्ट का क्या होगा, क्वालिटी बहुत लो हो गया होगा. जैसे इन इंग्लैंड पीपल, जब ब्रेड का भाव बहुत कम हो गया तो लोगों ने ब्रेड खरीदना बंद कर दिया. लॉ के अकॉर्डिंगली तो भाव कम होता है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ अलग ही हुआ. क्या हुआ? ब्रेड के भाव कम होने के बावजूद कोई खरीद नहीं रहा था. ओके, तो उनको फिर पता चला गिफन पैराडॉक्स में. ओके, उन्होंने उस पैराडॉक्स को, उस रूल को क्या नाम दिया, गिफन पैराडॉक्स नाम दिया. कि एज एंड व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिंग तो पीपल डज नॉट बाय इट. क्यों नहीं बाय करेंगे? बिकॉज उनको ऐसा महसूस होगा कि अब उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है. और एक एग्जाम्पल, महाकाली का वड़ा पाव, 5 रुपए का वड़ा पाव. स्टूडेंट्स मुझे बताओ, किस किसने ये 5 रुपए का वड़ा पाव खाया हुआ है? महाकाली का 4 रुपए का वड़ा पाव भी मिलता है, इमेजिन करो. टेल मी वेरी ऑनेस्टली, क्या तुम लोग जाके वो 5 रुपए या 4 रुपए का वड़ा पाव खाओगे या नहीं खाओगे? सबने नाम तो सुना होगा महाकाली वड़ा पाव. ऑब्वियसली आई नो कि तुम लोग नहीं जाके खाओगे. क्यों नहीं खाओगे? प्राइस कम है तो डिमांड तो बढ़नी चाहिए ना. प्राइस अगर कम है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, तो क्यों तुम लोग ने जाके नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? बिकॉज वी थिंक, मैंने भी नहीं खाया. हम क्या सोचते हैं, मैं तो ऐसे भी जेन हूं, मैं तो ऐसे भी नहीं खा सकता. हम क्या सोच रहे थे कि जैसे ही प्राइस कम होता है ना, तो हम अज्यूम कर रहे थे उसका क्वालिटी भी बहुत गंदा होगा, एकदम गंदे हुए तेल में तला होगा, या मे बी इट इज नॉट हाइजीनिक फॉर अस, राइट. अपना स्टैंडर्ड गिर जाएगा, वहां जाके खाएंगे और किसी ने देख लिया कि अरे ये भाई साहब तो महाकाली का वड़ा पाव खा रहा है, तो स्टैंडर्ड गिर जाएगा. ओके, तो वी कांट टेक दैट रिस्क, वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क. सो दैट इज वाई गिफन पैराडॉक्स. रॉबर्ट गिफन ने क्या महसूस किया कि व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिंग टू मच, पीपल इमेजिन कि उसका क्या हो रहा है, उसका क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है. तो इसीलिए प्राइस कम टू डिमांड भी कम, विच इज अगेंस्ट द लॉ, विच इज अगेंस्ट द लॉ. इसलिए हम इसको क्या बोले, एक्सेप्शन बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट, प्रेस्टीजियस गुड. ओके, देखो कुछ लोग है ना एकदम स्नोबिश होते हैं. स्नोबिश मतलब अकड़ू, घमंडी लोग होते हैं, जिनको अपने पैसे का बहुत घमंड होता है. ओके, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग जाते हैं शॉप में और बोलते हैं भैया जी सबसे महंगी चीजें बताओ. बिकॉज नाउ दे हैव दिस यू नो ईगो प्रॉब्लम, कि उनके पास बहुत पैसा है, करोड़पति लोग है, तो उनको सारी चीजें अच्छी ही चाहिए. उनको सारी चीजें क्या चाहिए, एकदम अच्छी चाहिए. अगर समझो फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेडी, शी गोज टू अ ज्वेलरी शॉप और उसने डायमंड का नेकलेस देखा, ओ वाओ इट्स सो एक्सपेंसिव, तो वो जितना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ना, उसको उतना ही ज्यादा मोह होता है, मोह उस नेकलेस से. फिर वो क्या करेगी, वो उस नेकलेस को खरीदेगी, फिर पार्टी में जाएगी और पार्टी में जाके पहन के लोगों को बताएगी, देखो मेरा नेकलेस. यू रिमेम्बर द थ्री इडियट्स, उसमें वॉच पहनी होती, मेरी 3 लाख की वॉच है ना, मेरे 20,000 के शूज. वो जो लड़का था, आई फॉरगॉट द नेम, ओके, बट उसको वो बहुत घमंडी था, उसको अपने पैसे का बहुत गर्व था. तो प्रेस्टीजियस गुड में ऐसा ही होता है. प्रेस्टीजियस गुड में क्या होता है, हायर द प्राइस हायर द डिमांड, जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा डिमांड, बिकॉज दैट इज देयर स्टैंडर्ड. वो लोग अपने स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए जांच के एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं. ओके, अमीर लोग क्या करते हैं, 10 नैनो कार खरीद सकते हैं, पर फिर भी वो लोग क्या करेंगे, नहीं, वो लोग जाके मर्सिडीज खरीदेंगे, लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे. क्यों? बिकॉज दैट इज वॉट मैचिंग टू देयर स्टैंडर्ड, राइट. सो प्रेस्टीजियस गुड में क्या होता है, हायर द प्राइस हायर द डिमांड, विच इज अगेंस्ट द लॉ. थर्ड, स्पेकुलेशन. देखो ये जो स्पेकुलेशन है और ये जो है नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, दोनों सेम है. ये थर्ड पॉइंट और ये फिफ्थ पॉइंट. ओके, तो स्पेकुलेशन में क्या होता है, सपोजिंग फॉर एग्जांपल, स्पेकुलेट करना मतलब फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करना. मुझे सच्ची में लग रहा था कि ना सिगरेट का भाव 1 महीने का बहुत बढ़ने वाला है. क्यों? बिकॉज कोरोना वायरस आने वाला है और वायरस आने के टाइम क्या होगा, सब पान की दुकान बंद हो जाएगी, तो अब बचा कुचा स्टॉक रहेगा उसका भाव बहुत एक्सपेंसिव होगा. तो मैंने क्या किया, आज ही जाके, मतलब मैंने नहीं, मिस्टर एक्स ने, लेट्स अज्यूम मिस्टर एक्स ने जाके आज ही जाके बहुत सारे सिगरेट के पैकेट खरीद लिए. क्यों खरीद लिए? बिकॉज ही थिंक्स कि फ्यूचर में, उसने स्पेकुलेट किया, उसने इमेजिन किया कि फ्यूचर में भाव बहुत बढ़ने वाला है. अच्छा, फ्यूचर में भाव बढ़ने वाला है, तो उसने आज ही जाके क्या कर दिया, सारा का सारा स्टॉक खरीद के रख दिया. तो कहना ही से दैट प्राइस तो सेम था, कुछ चेंज नहीं हुआ प्राइस में,
लेकिन डिमांड क्या हो गई, डिमांड बहुत बढ़ गई, डिमांड बहुत बढ़ गई, ओके, तो विच इज अगेंस्ट द लॉ एंड दैट इज इट इज एन एक्सेप्शन, इट इज एन एक्सेप्शन. प्राइस इल्यूजन, ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन, प्राइस इल्यूजन, आई गेट अ मार्कर, ग्रेट, सो आई हैव अ ब्लू मार्कर नाउ, ओके, सो हम कहां पे पहुंचे अभी, प्राइस इल्यूजन पे पहुंचे, ओके, हम प्राइस इल्यूजन पे पहुंचे. प्राइस इल्यूजन में क्या होता है, लोग ऐसा सोचते हैं, इल्यूजन मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, ओके, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में खोए खोए रहते हैं, उनको ऐसा लगता है, कि हायर द प्राइस हायर द क्वालिटी, मतलब अगर बहुत ज्यादा प्राइस होगा, अगर इल्यूजन, अगर प्राइस ज्यादा है मतलब उस चीज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, और प्राइस कम मतलब उसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज करनी होगी. तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्राइस को हर बार किससे जज करते हैं, क्वालिटी से जज करते हैं, क्वालिटी से कंपेयर करते हैं, और अकॉर्डिंगली वो लोग क्या करते हैं, जान बुझ के जाकर एकदम हाई प्राइस की गुड्स खरीदते हैं. क्यों? बिकॉज उनको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है. सो दैट इज वाई इस वाले में क्या होगा, प्राइस इल्यूजन में हायर द प्राइस एंड हायर द डिमांड, ओके, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी. क्यों? बिकॉज वो लोग का इल्यूजन है, वो लोग को चीप क्वालिटी चीजें पसंद ही नहीं है, ओके, चीप माइंडेड पीपल एंड चीप क्वालिटी गुड्स दे डोंट प्रेफर. वाह वाह. इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, ओके स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया था, देखो क्या हुआ था ना, मैं पानीपुरी बेच रहा था 60 फीट रोड पे, और मैं दे रहा था 20 रुपए की 5 पूरी, एंड पीपल वर कमिंग इन माई पानीपुरी की लाड़ी, और वो लोग मेरे पास से पानीपुरी खा रहे थे. वाह वाह, ओके, एंड एट द सेम टाइम, आई हैव वन ऑफ माई स्टूडेंट, लेट्स एन एग्जाम्पल, हम कृष्णा की बात करते, ओके, कृष्णा भी पानीपुरी बेच रहा था, कृष्णा का पानीपुरी बेच रहा था नारायण नगर में, ओके, नारायण नगर में कृष्णा पानीपुरी बेच रहा था, और वो 20 रुपए की 10 पूरी दे रहा था. इमेजिन करो 20 रुपए की 10 पूरी, और मैं सिर्फ दे रहा हूं 20 रुपए की 5 पूरी, बट फिर भी लोग मेरे पास क्यों आ रहे थे, यस, मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड थी. क्यों डिमांड थी? बिकॉज पीपल वर इग्नोरेंट अबाउट द फैक्ट, कि नारायण नगर में भी ऐसा एक सेलर है जो 20 रुपए की 10 पूरी बेच रहा है, किसी को पता ही नहीं था. बिकॉज कृष्णा ने एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की थी, और मैं सब जगह एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, आई एम वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन, ओके, तो मैंने सब जगह एडवर्टाइजमेंट कर लिया, पीपल वर कमिंग टू मी. तो तुम लोग देख रहे हो, इग्नोरेंस, लोगों के इग्नोरेंस के कारण हायर द प्राइस बट स्टिल हायर द डिमांड. यस, प्राइस बहुत हाई था पर फिर भी क्या थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी. क्यों? बिकॉज लोग इग्नोरेंट थे, लोगों को पता ही नहीं था कि नारायण नगर में भी एक ऐसा सेलर है जो कम भाव में पानीपुरी बेच रहा है. सुपर. एंड लास्ट गो, गोइंग फॉर हैबिचुअल गुड्स. हैबिचुअल मतलब एडिक्टिव गुड्स, एडिक्टिव गुड्स. कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको गुटखा पान खाने की आदत होती है, ओके, सिगरेट फूकने की आदत होती है, दारू पीने की आदत होती है, और नशा करने की तो आदत होती ही होती है, क्या बताओ अब, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट कुछ पीपल, ओके, तो अब उन लोगों की बात अगर हम करें तो उन लोगों को कैसा है ना, उन लोगों को ऐसा है कि हैबिचुअल गुड्स है. अब उन लोग चाहे इतने नशे में डूब गए हैं कि भाव कितना भी हाई हो, उनको वो चीज का सेवन मतलब कंजम्पशन करना आवश्यक, अनिवार्य हो जाता है. फिर भले वो सिगरेट 100 की मिले, 200 की मिले, 500 की मिले, वो लोग क्या करेंगे, जाके खरीद के ही आएंगे. क्यों खरीद के आएंगे? बिकॉज दे आर एडिक्टेड, दे आर एडिक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाई दे आर विशेस आर नॉट अंडर देयर कंट्रोल, और वो लोग को जाके खरीदना ही पड़ेगा. ओके, सो हैबिचुअल गुड्स, supposing for example I am habituated to eating panipuri because I love panipuri, okay, to main kahan gaya tha, main ek din paris gaya tha, okay, let's assume, don't be so jealous of me, okay, main ek din paris gaya tha, aur wahan par ek expensive restaurant ke andar panipuri mil rahi thi, and the restaurant was very expensive, 5000 rupaye ki ek plate panipuri, 5000 rupaye ki ek plate panipuri, ओके, बट फिर मैंने क्या किया, आई एम वेरी हैबिचुएटेड टू पानीपुरी, आई वॉन्ट पानीपुरी, एंड दैट इज वाई आई स्पेंड 5000 रुपीज जस्ट फॉर वन प्लेट ऑफ पानीपुरी. ओके, सो व्हेन यू आर हैबिचुएटेड एडिक्टेड टू समथिंग, देन क्या होगा, हायर द प्राइस विल बी डिमांड ज्यादा होगी, बिकॉज नाउ यू वॉन्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट नो मैटर व्हाटएवर द प्राइस इज. ओके, तो ये सारा हमने अब तक पढ़ चुके हैं. हम क्या क्या पढ़ चुके हैं फिलहाल, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस हाई डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा. ओके, क्या पढ़ना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, लेफ्ट टू राइट. ओके, अगर एक्सेप्शन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा डिमांड कर्व, और हमारी अजम्पशन और एक्सेप्शन है. यू हैव टू लर्न ऑल दिस अजम्पशन एक्सेप्शन वेरी नाइसली,
दिस पर्टिकुलर आंसर कम्स इन योर एग्जाम. अच्छा यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं, दैट पर्टिकुलर आंसर कम्स फॉर 10 मार्क्स इन योर एग्जाम. और सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कम्स फॉर 8 मार्क्स इन योर एग्जाम. तो अगर इतना सारा पढ़ लोगे, और दिस इज अ वेरी मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड आस्क्ड क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सप्लाई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो ये सारे क्या रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही यूजुअली पूछे जाते हैं. सो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन ऑल दिस थिंग्स, अंडरस्टैंड द कांसेप्ट प्रॉपर्ली, लर्न द एग्जांपल्स एंड देन यू शुड लर्न द हेड पॉइंट्स ऑल्सो, फिर तुम्हारा जीवन में कल्याण होगा. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, गोइंग फॉर द न्यू टर्म, वेरिएशन इन डिमांड. लेट मी सी इफ एवरीथिंग इज विजिबल इन द कैमरा. हाँ, कैमरा के अंदर पूरा अच्छे से दिख रहा है. वेरिएशन इन डिमांड, सुपर्ब. ओके, तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, वेरिएशन इन डिमांड करने वाले हैं. वेरिएशन इन डिमांड दो प्रकार के होते हैं, है ना. वेरिएशन डिमांड क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं. तो वो दो प्रकार के अंदर क्या क्या होगा, फर्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड. ओके, तो फर्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड, सेकेंड इज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड. तो वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब जब, अच्छे से सुनना ठीक है, मैं वेरिएशन इन डिमांड बता रहा हूं. वेरिएशन इन डिमांड बोलता है कि जब जब डिमांड में चेंजेस आएगा, किसके बदले आएगा, प्राइस के बदले. ओके, डिमांड में चेंजेस आएगा किसके बदले, प्राइस के बदले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन डिमांड. प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गई, तो वेरिएशन डिमांड. प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गई, तो भी वेरिएशन डिमांड. ओके, अगर प्राइस के बदले डिमांड में चेंजेस आया है तो दैट विल बी कॉल्ड एज वेरिएशन इन डिमांड. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड. तो डिमांड कब बढ़ेगा, डिमांड बढ़ा, क्यों बढ़ा डिमांड, एक्सपांशन मतलब बढ़ना, डिमांड बढ़ा क्यों, बिकॉज प्राइस कम हो गया. ओके, सो व्हेनेवर देयर इज फॉल इन प्राइस ड्यू टू व्हिच देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, इट विल बी कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड. एंड व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू व्हिच देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डॉट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एक्सपांड होना मतलब एक्सपांड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा हो जाना. ओके, तो अगर डिमांड बढ़ा प्राइस के कम होने से, इट विल बी कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड. अगर डिमांड कम हुआ क्यों, प्राइस के बढ़ने से, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड. ओके, लेट्स सी दिस ग्राफ, कैन यू सी इसमें क्या हुआ है. इसमें ये हुआ है कि पहले पी, जब प्राइस पी था तो देखो क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड, तो प्राइस हमारा क्या था, बहुत कम था. लेकिन जब प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो देखो यहां पे एरो देख रहे हो तुम लोग. ओके, ठीक, सो प्राइस कम होने से यहां पे क्या हुआ, प्राइस कम होने से क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ गई. ओके, सो प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई. तो पहले जब पी था प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्यू था, पर जब एरो नीचे आ गया, प्राइस कम हो गया, तो देखो क्वांटिटी डिमांडेड आगे चला गया. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई. इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली सेम क्या है ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमें लर्न करना है. लेकिन अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या हुआ, डिमांड कम हो गई, क्यों, प्राइस के बढ़ने से. डिमांड कम हो गई, क्यों, प्राइस के बढ़ने से. तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड स्लोपिंग बोलेंगे. देखो सबसे पहले प्राइस पी था, ओके, दिस इज अ प्राइस पी, तो हमारा क्वांटिटी बहुत ज्यादा था. लेकिन जैसे प्राइस बढ़ गया तो हमारी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, डिमांड कम हो गई. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड. और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड के अंदर डिमांड कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है. सो टू रिमेंबर दिस, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड में अपवर्ड स्लोपिंग है. एंड नाउ वी आर रिमेनिंग विद द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना होगा. सो फॉर दैट आई हैव टू जस्ट रब द बोर्ड फॉर अ सेकेंड. सो लेट्स स्टार्ट. सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज चेंजेस इन डिमांड. चेंजेस इन डिमांड का मतलब क्या होता है, अब डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं. ओके, सो द फर्स्ट चेंजेस इन डिमांड, वेरिएशन डिमांड का मतलब क्या था कि प्राइस के बदले जब जब डिमांड में फर्क आएगा विल बी कॉल्ड एज वेरिएशन डिमांड. बट चेंजेस इन डिमांड का मतलब ये है कि जब जब डिमांड में फर्क आएगा, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, इट कैन बी एनी अदर फैक्टर. लोगों की इनकम बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गया, टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया, वो लोग ने प्राइस के बारे में स्पेकुलेट किया, कोई भी रीजन से अगर डिमांड में चेंज हुआ बट नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड बोलेंगे. ओके,
सो फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड। देखो अगर तुम लोग अज्यूम देखोगे यहाँ पे पी प्राइस है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस पहले भी पी था अभी भी पी है, चेंज नहीं हुआ। बट क्वांटिटी डिमांडेड पहले क्यू से क्या हो गया, क्यू वन हो गया, पहले क्वांटिटी डिमांडेड यहां पे था वहां आ गया। ओके तो क्यू क्यू डिमांड बढ़ा, हो सकता है उस चीज की फैशन आ गई, ओके हो सकता है उस चीज की बहुत फैशन आ गई, ओके तो उसके बदले तो जब जब डिमांड बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। एंड डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, अब डिमांड कम हो गई है, क्यों, बिकॉज ऑफ प्राइस, नहीं, ओके इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। तो देखो पहले क्यू यहां पे था, फिर क्यू टू हो गया, क्यू टू मतलब क्यूट नहीं, ओके क्यू से क्यू टू हो गया, क्यू से क्यू टू हो गया, इसका क्या मतलब है, डिमांड कम हो गई, हैदा डिमांड कम क्यों हुई, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, देखो प्राइस पहले भी पी था अभी भी पी है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, ओके तो जब जब प्राइस डिमांड में चेंज होगा, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, इट वी कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड। देखो तुम लोग को मैं अपने लैंग्वेज में सिखाता हूं, ओके देखो डिमांड और प्राइस दोनों डेट कर देते हैं, ठीक है, डिमांड और प्राइस दोनों डेट कर, सपोजिंग डिमांड बॉयफ्रेंड है और प्राइस गर्लफ्रेंड है, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, तो डिमांड लड़का है और प्राइस क्या है, गर्लफ्रेंड है, तो प्राइस है ना बहुत डोमिनेटिंग है डिमांड पे, ये जो लड़की है ना बहुत डोमिनेटिंग है डिमांड पे, इसको हर चीज चेंज करने को बोलती है, यू अंडरस्टैंड, ओके तुमको एक्सपीरियंस होगा रिलेशनशिप के बाद क्या होता है, चीजें बदल जाती है, तो अब डिमांड में चेंज आ रहा है, क्यों चेंज आ रहा है, बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड उसको चेंज होने को बोल रही है, तो जब जब डिमांड चेंज होगा किसके बदले, प्राइस के बदले, तो इट विल बी कॉल्ड एज वेरिएशन डिमांड। बट क्या डिमांड की जिंदगी में सिर्फ प्राइस ही है, हो सकता है उसकी माँ होगी, उसकी बहन होगी, या उसके घर पे कोई और होगा, या उसकी कोई और फ्रेंड होगी, तो अगर डिमांड चेंज हुआ नॉट बिकॉज ऑफ हिज गर्लफ्रेंड बट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, मम्मी के बोलने पे या बहन के बोलने पे या किसी और के बोलने पे अगर डिमांड चेंज हुआ, इट विल बी कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। ओके तो अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बदले चेंज हुआ तो वेरिएशन डिमांड, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बोलने पे नहीं किसी और रीजन से चेंज हुआ, दैट विल बी चेंज इन डिमांड। ओके और अगर अगर डिमांड बढ़ा प्राइस के कम होने से, तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड कम हुआ प्राइस के बढ़ने से, तो कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। और यहां पर अगर 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 क्या हुआ, डिमांड बढ़ा किसके बदले, प्राइस के बदले नहीं, कोई भी और रीजन से, इट विल बी कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। एंड लास्ट 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 अगर डिमांड कम हुआ, क्यू प्राइस के बदले नहीं, कोई और रीजन से, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड। ओके क्या क्या याद रखना है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है लेफ्ट टू राइट, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड में अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है, राइट साइड क्या हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। ओके इंक्रीज हो रहा है मतलब राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, कर्व क्या हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, और डिक्रीज इन डिमांड में ये क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। ओके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड इन द एग्जाम, यू हैव टू कंपल्सरी मेक ऑल दिस डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन द डायग्राम वेरी नाइसली एंड सिस्टमैटिकली, हर एक डायग्राम को स्क्वायर बनाओ और उसके अंदर डायग्राम बनाओ, वो भी कंपल्सरी होता है। योर नीटनेस विल गिव यू मार्क्स बोर्ड एग्जाम के अंदर व्हेन यू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देखो ऑप्शंस तो बहुत हो गए, बट व्हेन यू इंटेंशनली अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसके अंदर बहुत ज्यादा ग्राफ हो, ड्राइंग वगैरह हो, नीटनेस हो, तो उससे मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये हमारे लिए भी बेनिफिट है, बिकॉज जब हम ये डायग्राम वगैरह बना रहे हैं, इट विल कवर अ लॉट ऑफ स्पेस, प्लस इट विल टेक लेस ऑफ एफर्ट्स, प्लस कम एफर्ट्स में कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। और ये डायग्राम बनाने से चेकर को ये पता चलता है कि बच्चों के कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है। ओके और चेकर को भी यही चाहिए कि बहुत ज्यादा पेपर के अंदर लिखा हुआ नहीं हो, थोड़ा डायग्राम हो, ड्रॉइंग हो, नीटनेस हो, क्लीनिनेस हो, अच्छे से अंडरलाइन किया हुआ हो, पॉइंटर्स लिखे हो, कंक्लूजन हो, एग्जाम्पल्स हो, ये सारी चीजें चेकर को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है। एंड दैट इज व्हेन यू राइट ऑल दिस थिंग्स, योर चांसेस ऑफ गेटिंग मोर मार्क्स इंक्रीजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर चैप्टर नंबर थर्ड डिमांड एनालिसिस क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है। ओके यू विल बी एक्सपेक्टेड टू लर्न ऑल द आंसर्स क्वेश्चंस वेरी नाइसली, बिकॉज हम बहुत ही जल्द टेस्ट के साथ आने वाले हैं। ओके सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आओ जो वो